भारत में कहां हुआ था हनुमान जी का जन्म? सभी जानना चाहते हैं कि हनुमान जी का जन्म भारत में कहां हुआ था। हनुमान जी के माता पिता कौन हैं? हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, इसीलिए उन्हें आंजनेय भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम केसरी है, इसीलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी को कपिराज भी कहा जाता था, क्योंकि वे कपि क्षेत्र के राजा थे। अब सवाल यह उठता है कि यह कपि क्षेत्र भारत में कहां स्थित था। इस विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। हनुमान जी का जन्म कल्पभेद से कोई भक्त चैत्र सुद एक मघा नक्षत्र को मानते हैं, कोई कार्तिक वद 14, कोई कार्तिक सुद 15 को मानते हैं। कुछ चैत्र माह की पूर्णिमा को उनके जन्म का समय मानते हैं और कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा को, लेकिन ज्यादातर जगह चैत्र माह की पूर्णिमा को मान्यता मिली हुई है। हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर मतभेद हैं। कुछ हनुमान जयंती की तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मानते हैं तो कुछ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। इस विषय में ग्रंथों में दोनों के ही उल्लेख मिलते हैं, किंतु इनके कारणों में भिन्नता है। पहला जन्म दिवस है और दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव। कुछ विद्वान मानते हैं कि नवसारी गुजरात स्थित डांग जिला पूर्व काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था। इस दंडकारण्य में राम ने अपने जीवन के 10 वर्ष गुजारे थे। डांग जिला आदिवासियों का क्षेत्र है। आजकल यहां ईसाई मिशनरी सक्रिय है। हालांकि आदिवासियों के प्रमुख देव राम हैं। आदिवासी मानते हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान पंचवटी की ओर जाते समय डांग प्रदेश से गुजरे थे। डांग जिले के सुबिर के पास भगवान राम और लक्ष्मण को शबरी माता ने बेर खिलाए थे। शबरी भील समाज से थी। आज यह स्थल शबरी धाम नाम से जाना जाता है। शबरी धाम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णा नदी पर स्थित पंपा सरोवर है। यही मातंग ऋषि का आश्रम था। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता यह भी है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कैथल ही है हनुमान का जन्म स्थान। कैथल हरियाणा प्रांत का एक शहर है। इसकी सीमा करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और पंजाब के पटियाला जिले से मिली हुई है। इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है। इसका प्राचीन नाम था कपिस्थल। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। आधुनिक कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। पुराणों के अनुसार इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। कपि के राजा होने के कारण हनुमान जी के पिता को कपिराज कहा जाता था। कैथल में पर्यटक ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े अवशेष भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर भी और अजान किला भी। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। इसी जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का राज्य था। माना यह भी जाता है कि यहीं पर शबरी का आश्रम था। यह क्षेत्र में रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। यहीं पर पंपा सरोवर है, जहां राम और लक्ष्मण ने रुककर जल ग्रहण किया था। जंगल और पहाड़ों में से घिरे इस आंजन गांव में एक अति प्राचीन गुफा है। यह गुफा पहाड़ की चोटी पर स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर माता अंजना और पिता केसरी रहते थे। यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा का द्वार बड़े पत्थरों से बंद है, लेकिन छोटे छिद्र से आदिवासी लोग उस स्थान के दर्शन करते हैं और अक्षत व पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान माता अंजना के जन्म से जुड़ा है। एक जनश्रुति के अनुसार आदिवासियों को इस बात का भान नहीं था कि हनुमान जी और उनके माता पिता पवित्रता और धर्म के पालन करने वालों के प्रति प्रसन्न रहते हैं। आदिवासियों ने माता अंजना को प्रसन्न करने के लिए एक दिन उनकी गुफा के समक्ष बकरे की बलि दे दी। इससे माता अप्रसन्न हो गई और उन्होंने एक विशालकाय पत्थर से हमेशा के लिए गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब जो भी इस गुफा के द्वार को खोलने का प्रयास करेगा उसके ऊपर विपत्ति आएगी। माना जाता है कि इस गुफा की लंबाई 1500 फीट से अधिक है। यह भी कि इसी गुफा से माता अंजना खटवा नदी तक जाती थी और स्नान कर लौट आती थी। खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो आंजन गुफा तक ले जाती है। मान्यता अनुसार इस गुफा के आंजन पहाड़ पर रामायण काल में ऋषि मुनियों ने सप्त जनाश्रम स्थापित किए थे। यहाँ 7 जनजातियाँ निवास करती थी, एक वानर, 3 निषाद, 4 वृद्धक, 5 नाग, 6 किन्नर व 7 राक्षस। अगस्त्य, अगस्त्य ब्राता, सुतीक्षण, मानकनी, अत्रि, शर्भन व मतंग। यहाँ छोटा नागपुर में 2 स्थानों पर आश्रम है, एक आंजन व दूसरा टांगीनाथ धाम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।